आप सबका स्वागत है। आज दोपहर दो बजे हम ये पुस्तक हीरा मंडी का विमोचन करने जा रहे हैं। विमोचित औपचारिकता हमने कर ली पुस्तकें के लिए। अब इस पर हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, लेखक से पूछेंगे और ये बातचीत का संचालन करेंगे प्रभात रंगेंगे। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। और हम लोग आज इस किताब पर चर्चा करने वाले हैं, उस किताब का नाम है उपन्यास, जिस उपन्यास पर चर्चा करने वाले हैं उस उपन्यास का नाम है हीरा मंडी, लाहौर की बदनाम बस्ती की दास्तान। हीरा मंडी लाहौर में एक ऐसा इलाका है, ऐसा इलाका रहा है जिसे बाद के जमाने में आजादी के बाद रेडलाइन एरिया कहा जाने लगा, लेकिन जबकि ये कहानी है तब उसको वैसा नहीं कहा जाता था। लेकिन ये किताब तो उसकी दास्तान नहीं है और ये किन किन चीजों की दास्तान है इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे बीच मौजूद है लेखक राजन, जिन्होंने हीरा मंडी पर एक अच्छा उपन्यास लिखा है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने समाजशास्त्री लेखक, इनका परिचय अगर देना शुरू करो तो हो जाएगा। राम शरण जोशी जी मौजूद हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है रश्मि फुला यामिनी, जो सबसे हिंदी में सबसे जानी मानी अनुवादक के रूप में उनको जाना जाता है। बहुत अच्छी अच्छी किताबों के अनुवाद करती है और अनुवाद विभाग ने अपनी पहचान दी है। तो हम बातचीत की शुरुआत राजेंद्र जी से करना चाहते हैं। अजमल कमाल साहब हमारे बीच बैठे हैं, कराची से आए हैं और जाने वाले संपादक हैं, वहाँ के आलोचक हैं, लेखक हैं, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच अर्जुमन नारा जी खड़ी हैं, जो हिंदी और उर्दू के बीच की सबसे मजबूत सबसे लोकप्रिय पुल इस समय है। इनको अनुवाद के लिए साहित्य अकेडमी मिल चुका है, इनके हवाले से हमने उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़े हैं। अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं राजन जी से ही, सबसे पहले कि आपने ऐसा उपन्यास ऐसे इलाके पे ऐसे क्षेत्र पे उपन्यास लिखने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि आप सब समाज में इस तरह के कामों के इस तरह के इलाके में जाने के बारे में, इनके बारे में बोलने बात करने तक के बारे में नहीं सोचा जाता है। मैंने खुद एक किताब लिखी थी जो मुजफ्फरपुर के टवायफों के ऊपर भी सवाल कि मुझे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, लिखने के बाद लोग क्या सोचेंगे। और आप तो माशाल्लाह बड़े शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के लेखक माने जाते हैं, हिमालय में बहुत हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े अफसर भी रहे, तो आपके मन इसको लेकर क्या हुआ पूछ रहा था कि इसके बारे में बात करें।